बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने वाले हैं चने की चाट। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, ठीक है। अब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। एक प्याली मेरे पास चने हैं जो कि कम्प्लीटली बॉयल हैं। ये मेरे पास इमली का पल्प है, इसके मैं 4 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन। मसालों में मैंने लिया है ये 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज और ये 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून ज़ीरा लेके उसे मैंने ड्राई रोस्ट करके तो क्रश कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पे काट के रख ली है और एक टमाटर भी मैंने चॉप करके रख लिया है। एक आलू बॉयल करके उसे पीस में काट के रख लिया है, ठीक है। आपने इसके ऐसे पीस बना लेने हैं, ना बहुत मोटे और ना ही बिल्कुल पतले। ये 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है जिसे अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ये फ्रेश कोरिएंडर है और एक हरी मिर्च है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, बेसन को हमने 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, ठीक है। इसे हम चूल्हे पर रख देते हैं, कोई लंप नहीं होना चाहिए इसमें। और इसमें एक चुटकी मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, येलो फूड कलर। इसे थोड़ा सा पका के तो इसमें हम सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर लें। नाउ मिक्स इट वेल। और सॉरी, मैंने आपको 1 गिलास पानी कह दिया है, 1 कप पानी लेना है आपने। उसमें 2 टेबल स्पून आपने अपने बेसन को डिज़ोल्व कर लेना है। इसे फिर 1 से 2 मिनट पका लेंगे, उसके बाद इसमें हम इमली का पल्प शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प भी शामिल कर लिया है। फिर इसे 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। इसमें ऐड कर लेते हैं अपने बॉइल चने। और साथ ही इसमें हम डाल लेते हैं अपने आलू भी। नाउ मिक्स देम ऑल वेल। ठीक है, इसमें थोड़ी हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं बस। और ये हमारी चाट रेडी है, ठीक है। थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के भी इसे मिक्स कर लिया है, अब ये रेडी है। इसे थोड़ा कूल डाउन करके फिर इसमें अपने टमाटर और प्याज ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। इसमें अब डाल देते हैं अपने ये प्याज और टमाटर, इन्हें भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, अपने चना चाट को मैंने डिश आउट कर लिया है। इस पर अब डाल देते हैं अपना ये दही। थोड़ी हरी मिर्ची और हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी डिफरेंट रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बन के रेडी है। आप इसके ऊपर पापड़ी या बूंदिया बना के भी डाल सकते हैं जो बेसन के हम बनाते हैं। ज़रूर आप इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।